नोकिया मदर कंपनी HMD ग्लोबल बहुत ही जल्द इंडिया में और एक 4G फीचर फोन लॉन्च करने वाला है दोस्तों, ये 100% कंफर्म है। कहा जा रहा है ये नोकिया 225 4G और नोकिया 215 4G से भी बेहतर है और पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाले हैं। मेरे हाथ कुछ प्रूफ लगा है दोस्तों अपकमिंग नोकिया 4G फीचर फोन के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। प्राइस क्या होने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन उसी के साथ साथ फीचर्स डिटेल्स क्या होने वाले हैं, ये सारे दोस्तों मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं। तो नो डाउट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप अंत तक देखें और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो किसी भी टेक रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों BIS सर्टिफिकेशन। इसका मतलब है दोस्तों जो अपकमिंग नोकिया 4G फीचर फोन होने वाले हैं जो कि मॉडल नंबर से फिलहाल पहचाना जा रहा है नोकिया TA1373, ये आपको 2 या 3 महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों BIS सर्टिफिकेशन, होप इसे आप सेटिस्फाइड होंगे दोस्तों। इंडिया लॉन्च इसका इमिनेंट है। फिलहाल अगर बात करें इसके डिस्प्ले डिटेल्स की तो यहां जो अभी तक पता चल रहा है 1.77 इंचेस का आपको एक डिस्प्ले दिया जाएगा। ये QVJ टाइप डिस्प्ले होने वाले हैं। अगर रियर साइड कैमरा सेटअप की बात करें तो दोस्तों आपको यहां एक सिंपल सा कैमरा दिया जाएगा जो कि VGA टाइप होने वाले हैं दोस्तों। अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों आपको 128 MB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा जिसको आप डेडिकेटेड एक्सपेंडेबल स्लॉट से 32 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर बात करें अपकमिंग नोकिया 4G फीचर फोन के प्राइस डिटेल्स की तो ये आपको लगभग 2000 के अंदर इंडिया में लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। फिलहाल ये मेरा अजम्पशन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन नोकिया अपकमिंग 4G फीचर फोन नोकिया TA1373 के। होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए नो मोर वेस्ट ऑफ टाइम, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।